देश और दुनिया को कोरोना तो सता ही रहा है, लेकिन उत्तर भारत में एक और अटैक है जो टिड्डियों के द्वारा किया जा रहा है। और अब तक ये अटैक सिर्फ राजस्थान में था, लेकिन अब ये आगे बढ़ गया है और हरियाणा में पहुंच गया है। और खास बात यह है कि कुछ ही मिनटों में ये टिड्डियां सैकड़ों की फसल को बर्बाद कर सकती हैं, जो किसानों के लिए एक आफत से कम नहीं है। राजस्थान में किसानों की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दरअसल राजस्थान में टिड्डियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में हरियाणा में भी कृषि विभाग की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के कैथल जिला कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया है कि टिड्डी दल आ गया है। उन्होंने कहा कि पूरे कृषि अधिकारियों ने ऐसा बताया है कि इससे पहले इस प्रकार के टिड्डी दल का अक्सर प्रकोप हो जाता है, लेकिन इस बीच किसानों को जागरूक करके, प्रचार प्रसार करके और अन्य प्रबंध करके टिड्डी दल के प्रकोप को कम किया जा सकता था, लेकिन अब ये फिर से भयानक रूप में आया है। लगभग ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टिड्डी दल राजस्थान के जयपुर में कल रात को एंट्री करा था और शहर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा संख्या में था ये। और ये हरियाणा में, जैसे पुराने अधिकारी हमारे बताते हैं, लगभग 28-30 साल के बाद रिपोर्ट हुआ। उससे पहले बहुत बार आता था, लेकिन बीच में कंट्रोल हो गया था विभिन्न प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के तरीकों द्वारा। ये टिड्डी दल एक पूरे बड़े झुंड में चलता है, जिसकी मैपिंग की गई है। जो जयपुर से आ रहा है, ये 5 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जब चलता है तो जितने भी वनस्पति रास्ते में आती है, हरी पत्तियाँ, कोई भी फसल, पेड़, सबको खाते हुए चलता है, तो बिल्कुल नष्ट कर देता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस टिड्डी दल का फसलों पर होता है, हमारे किसानों की फसलों पर होता है। कैथल जिला कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि कैथल जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और इसके लिए एक टीम बना दी गई है जो इसकी तैयारी को पूरा करेगी। इसमें दवाइयों के छिड़काव को लेकर लिस्ट तैयार कर ली गई है। कैथल जिले में 175 ट्रैक्टर पंप स्प्रे हैं, इसकी क्षमता 500 लीटर है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कैथल में भी एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर रहे हैं आज ही, और यहाँ एक टीम बना दी गई है ताकि इसके लिए जो तैयारियाँ हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए कितनी हमें दवाइयाँ चाहिए, हमने एक लिस्ट तैयार कर ली है ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप की, जो कि हमारे पास 175 हैं जिला के अंदर, वो 500 लीटर कैपेसिटी के हैं, ताकि यदि एंट्री करता है हमारे जिला की तरफ या हरियाणा में तो तुरंत हम उस पर स्प्रे कर सकें। फायर ब्रिगेड्स को भी हमने डीसी साहब के माध्यम से अनुरोध किया कि वो तैयार रहें, क्योंकि 11 फायर ब्रिगेड भी हमारे पास हैं और उसकी कैपेसिटी पानी की बहुत ज़्यादा, लगभग 72,000 लीटर के आसपास है। उनको भी हमने कहा है दवाइयों की हमारे पास भरपूर मात्रा। टिड्डी दल जहां भी पहुंचता है, कुछ ही घंटों में सैकड़ों एकड़ की फसल को नष्ट कर देता है। राजस्थान में ऐसे टिड्डी दल ने किसानों की चिंता को बढ़ाया है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि टिड्डियों का यह दल पड़ोसी देश पाकिस्तान से आता है। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस छुपे हुए आतंकी से कैसे निपटती है। कैथल से नवीन मल्होत्रा, टोटल न्यूज़।